रालोद के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल देव सोमवार को दिल्ली में चौधरी जयंत सिंह से मिले। उनसे पूछा कि पार्टी के लिए संघर्ष करने वालों को टिकट क्यों नहीं दिया। रालोद अध्यक्ष ने राहुल से कहा है कि नाराज ना हो, यह गठबंधन की मजबूरी थी, बाकी नाराज लोगों को मनाने का कार्य करें। राहुल देव ने पार्टी के निर्णय के विरोध में मोर्चा खोल दिया था। दो दिन पहले पत्रकार वार्ता करके रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत के निर्णय पर प्रश्न उठाते हुए सीधे उनसे उत्तर मांगा था। दो दिन में उत्तर न आने पर अगले कदम की घोषणा करने की चेतावनी दी थी। इस पर जयंत चौधरी ने उन्हें दिल्ली बुलाया था। उनसे मिलकर लौटे राहुल देव ने बताया है कि उनसे वही प्रश्न किए गए रालोद के सिंबल पर सपा के नेताओं को प्रत्याशी क्यों बनाया गया है, गठबंधन के लिए संघर्ष कर रहे किसी नेता को टिकट क्यों नहीं दिया गया, जीतने के बाद ये प्रत्याशी सपा के ही रहेंगे ना कि रालोद के, मुजफ्फरनगर जहां खुद चुनाव लड़े थे वहां भी सपा के दबाव में क्यों रहे, किसी से कोई वार्ता क्यों नहीं की गई। रालोद देव ने बताया है कि वह नाराज लोगों से बात करेंगे, जयंत का संदेश सुनाएंगे, फिर जैसे लोग कहेंगे उसके अनुसार आगे की रणनीति पर कार्य करेंगे। जयंत भी जल्द मेरठ आकर सभी से बातचीत करेंगे। वहीं बता दें कि उत्तर प्रदेश में चुनाव अब नजदीक आ रहे हैं, मतदान की तारीख भी नजदीक आ रही है और वैसे वैसे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी अब तेज हो रही हैं। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।